हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की एक्सप्लेनर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे अबाउट द स्माइल स्कीम जो कि अभी अभी रिलीज़ की गई। स्माइल की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, पीटी के हिसाब से सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेज स्कीम। ओके, तो इस स्कीम के बारे में पीआईबी के द्वारा रिलीज़ किया गया, लेकिन जितना रिलीज़ किया गया उसमें से आपका एक क्वेश्चन निकलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिलीज़ नहीं की गई है, लेकिन जितनी भी की गई है वो सफिशियंट है। ओके, तो हम इसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट हमारे पीटी के हिसाब से काम के हो जाते हैं। साथ ही मेंस में एक लाइन में लिखने के लिए कि हाँ, मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए ऐसी भी स्कीम चली हुई है, आपके पास ये सब मुद्दे होने चाहिए। तो देखते हैं कि हुआ क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो स्कीम है आपकी, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। स्कीम का नाम आपको फिर से बता देता हूँ, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। कहने का मतलब ये है कि जो मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स हैं, जो मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी के कुछ तत्व ऐसे रह जाते हैं जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं, जैसे जैसे बैगर्स, ठीक है, जैसे ट्रांसजेंडर्स, वुमेंस भी थी, लेकिन अभी एम्पावरमेंट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, और भी लोग आ जाते हैं, जैसे डिसेबल्ड आ जाते हैं, ठीक है, तो उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड कराना है और उनको इस तरफ ले जाना है ताकि वो सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ सके, ठीक है, तो उनको इकोनॉमिकली सस्टेनेबल भी हमें यहाँ पर बनाने की बात करनी है। ये जो स्कीम है आपकी स्माइल स्कीम, इसके अंदर दो तरह के कंपोनेंट और आ जाते हैं, या फिर अलग अलग कंपोनेंट आ जाते हैं, जिनमें से आपको दिखेगा कि दो सब स्कीम्स भी आ जाती हैं। सब स्कीम्स अलग से बैगिंग के लिए और अलग से ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए आपको इसके अंदर दिखेंगी। नाम अगर पूरा देखना चाहें तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ द पर्सन्स एंगेज इन बैगिंग, और दूसरी स्कीम आपको मिलेगी सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स। ठीक है, तो ये बहुत माइन्यूट सी चीज़ें हो गई, इस स्कीम को याद रखना, ऊपर वाली को, नीचे आप छोड़ भी सकते हो। अब इसके अंदर आपको यहाँ पर देखना है कि होगा क्या। तो इसके अंदर हमने अभी आपको बताया कि इसके अंदर बहुत सारे मेजर्स इसके अंदर लिए जाएंगे, बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं उनके लिए यहाँ पर मेजर्स लिए जाएंगे, इंक्लूडिंग दोज हु आर एंगेज इन एक्ट ऑफ बैगिंग, उनके लिए भी यहाँ पर मेजर्स का प्रोविज़न किया गया है। अच्छा, किस तरीके के मेजर्स? देखिए, द फोकस ऑफ द स्कीम इज़ एक्सटेंसिवली ऑन रिहेबिलिटेशन, तो जो मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल है उसके रिहेबिलिटेशन किया जाएगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ उसको प्रोवाइड की जाएंगी, काउंसलिंग की अगर उसको ज़रूरत है तो वो प्रोवाइड की जाएगी, उसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब बेसिक डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो वो भी उसको दिया जाएगा, एजुकेशन उसको प्रोवाइड की जाएगी अगर वो चाहता है, स्किल डेवलपमेंट दिया जाएगा ताकि बैगिंग का काम छोड़ करके वो किसी फर्म वगैरह में आपका अपने 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 दम पर खड़ा हो सके, इकोनॉमिक लिंकेजेस उसके कराए जाएंगे, इन सोन इस तरीके के वर्क आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपका जो मार्जिनलाइज इंडिविजुअल है उसको एम्पावरमेंट करने के लिए यहाँ पर वर्क करेंगे। ऑलराइट, ओके, अब ये स्कीम इंप्लीमेंट कैसे की जाएगी? तो द स्कीम वुड बी इंप्लीमेंटेड विद द सपोर्ट ऑफ, ठीक है, तो इसमें हर किसी का सपोर्ट ज़रूरी होगा, क्यों? क्योंकि निचले तबके पर आपको छटनी करनी पड़ेगी मार्जिनलाइज्ड लोगों की, ठीक है, तो इस तरीके से स्टेट है, यूटी गवर्नमेंट है, लोकल बॉडीज़ हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, इन सब की हमें मदद लेनी पड़ेगी, और यहाँ पर पूरा कम्युनिटी सपोर्ट, उसके ज़रिए ही आपको ये स्कीम सक्सेसफुल बनानी है। तो कम्युनिटी एंगेजमेंट के थ्रू आपको मार्जिनलाइज सेक्शन को एम्पावरमेंट करना है, पूरा मकसद स्कीम का ये है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ऑलराइट, उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि रिहैबिलिटेशन के लिए हमारे पास एग्जिस्टिंग शेल्टर होम्स जो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास बचे हुए हैं, स्टेट या यूटीज़ गवर्नमेंट के पास जो पहले से अवेलेबल शेल्टर होम्स हैं, उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर के रूप में डेवलप किया जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास जो एग्जिस्टिंग शेल्टर होम्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं हैं तो नए शेल्टर होम्स यहाँ पर तैयार किए जाएंगे, और बाय द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, स्टेट हो या फिर एनजीओ, कोई भी आकर के इसको कर सकता है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, एक इंडिविजुअल जो कि सोशल वर्क करना चाहता है वो भी यहाँ पर आकर इस काम को कर सकता है। तो शेल्टर होम्स यहाँ पर बनाए जा सकते हैं अगर अवेलेबल नहीं है तो। इसके अंदर फंड्स यहाँ पर अवेलेबल कराए जाएंगे अगले 5 साल तक, और फंड्स इस तरीके से अवेलेबल कराए जाएंगे, आपके काम की चीज़ ये नहीं है, टोटल 182 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च करने की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगले 5 सालों में इस तरीके से फंड भी यहाँ पर बांटे जाएंगे। उसके बाद मैंने बताया कि अब ये स्माइल स्कीम, इसके बारे में इतना ही रिलीज़ किया गया था पीआईबी के द्वारा, किसी भी जगह पर आपको इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इतना ही रिलीज़ किया गया, इतना ही हम पढ़ेंगे। दूसरा, इसके अंदर आपको स्कीम मिल जाएगी, स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन ऑफ द वर्कर बैगर्स, और मैंने बताया ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए भी है, इतनी खास नहीं है, बट आपको इसके बारे में एक दो पॉइंट में बता देता हूँ। ओके, तो इसका ये बैगिंग, जो बैगिंग में इन्वॉल्व पर्सन है उनके लिए ये स्कीम यहाँ पर चलाई गई है एज अ सब स्कीम ऑफ द स्माइल स्कीम। ओके, तो इसके अंदर सेलेक्टेड सिटीज़ में चलाई जाएगी ऑन द पायलट बेसिस, अभी ये स्कीम यहाँ पर चलेगी, और सिर्फ उन्हीं सिटीज़ में चलेगी जहाँ पर जो बैगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो बैगर कम्युनिटी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ये स्कीम यहाँ पर
चलाई जाएगी। ओके, उसके बाद आप देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने 1 करोड़ रुपए भी यहाँ पर रिलीज़ किए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस के लिए, और 70 लाख रुपए भी दिए हैं नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए कि बैगर्स के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएँ। तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या एक एजेंडा नहीं है इस्माइल स्कीम का? जी हाँ बिल्कुल है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया कि स्किल डेवलपमेंट भी आपका एक अच्छा जो तरीका है, फोकस है, वो यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ये स्कीम को इतना देखना था, इसके अलावा आपको कोई भी पॉइंट नहीं देखना। 5 मिनट के अंदर हमने पूरी स्कीम यहाँ पर समझ ली और इससे अच्छी बात कोई भी नहीं है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।